नमस्कार वेलकम टू विद थैंक कुमारी आपने कहा था कि नई आदत नए डालने हैं नए संस्कार का जो रिकॉर्ड हमारी पुरानी रिकॉर्डिंग है ग्रुप पेंसिल लेके अगर पेपर पे घुमाते जाएं तो और भी गहरा होता जाता है, होता जाता है जैसे रंग भी गाढ़ा होता जाता है जितना रंग डालते जाओ पानी yes. में सेम कलर तो ये जो पुरानी रिकॉर्डिंग है ये हट के नया फोल्डर अगर खोले हम या नया नया सीडी बनाए तो पुराना जाता है वो कहीं कहीं ना छुपा तो नहीं रह जाता कि कहीं ना कहीं नॉट अवेयर उठ के आ जाए यस yes. पुराना जाएगा नहीं हाँ संस्कार जो आत्मा के पास है वो संस्कार है लेकिन यूज नहीं करेंगे तो यू विल नॉट फील कि वो संस्कार है जैसे पीस इज अ संस्कार ऑफ द सोल वो है अच्छा फोर रिकॉर्डिंग है हर आत्मा पर है इस सृष्टि पर जितनी आत्माएं हैं हर आत्मा पर पीस के संस्कार की रिकॉर्डिंग है लेकिन अगर सारा दिन में उसको यूज नहीं किया यूज नहीं किया मतलब पीसफुल क्वालिटी की थॉट्स नहीं क्रिएट की पीसफुल hmm. तरह से बात नहीं की पीसफुल कर्म नहीं किए मतलब हर कर्म शांति की स्थिति से नहीं किया तो हम उस शांति को अनुभव नहीं करेंगे मतलब गाना रिकॉर्डेड है सीडी पर लेकिन प्ले नहीं हो रहा तो अगर सीडी पर कोई गाना है लेकिन उसको कभी प्ले ना करें hmm. तो हम अवेयर नहीं होंगे कि सीडी पे वो गाना भी है ओके okay. प्ले नहीं किया कभी सो फॉर यू इट्स एज गुड एज इट्स नॉट देयर बट इट्स देयर और जिस जैसे वैस जैसे मुझे अपनी शक्तियां क्या क्या है अगर मालूम ही नहीं है हाँ। तो नहीं के बराबर है तो नहीं के बराबर है सिमिलरली अभी जो संस्कार हमारे अक्वायर्ड हैं, लेट से अगर मेरे अंदर इरिटेट होने का संस्कार है जिद करने का संस्कार है आर्ग्यू करने का संस्कार है ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है फिर प्रैक्टिस किया कि नहीं नॉट लाइक दिस लाइक दिस कॉन्शियसनेस ईगो की है तो हम हर बात में जिद करेंगे आर्ग्यू करेंगे कि मैं राइट हूँ सोल कॉन्शियस हैं तो आर्ग्यू से एम्पिथी की तरफ शिफ्ट करेंगे कि दूसरे के नजरिए को समझना दूसरे के संस्कार को देखना तो आर्ग्यू का संस्कार अपने आप क्या हो जाएगा यूज होना बंद होगा एम्पथी का संस्कार यूज होना शुरू हो जाएगा गाने दोनों हैं विच वन डू वी प्ले अगेन एंड अगेन एंड अगेन जब हम ईगो में हैं, तो हम आर्ग्यू के गाने को बार बार प्ले करते हैं तो एक बार दिन में दो बार दिन में पांच बार हम कहेंगे आर्ग्यू करना इनकी आदत है आदत है मतलब बात आई तो इनका संस्कार है आर्ग्यू करना तो वो वाला गाना ऑटोमैटिक मोड में चला गया जब वो गाना ऑटोमैटिक मोड में चला गया जो उस दिन आपने पढ़ के सुनाया इट बिकम्स ऑटोमैटिक एंड फास्ट मतलब वो बहुत फास्ट होने लगता है आपके पास टाइम नहीं है पॉज करें कि मैं उनकी बात को समझो उनका भी कोई नजर वो तो टाइम ही नहीं है बात आई आर्ग्यू करना शुरू किया दूसरे की बात को सुना भी नहीं पूरी तरह समझा भी नहीं अपनी ही बात राइट है दो वर्ड नहीं बोले सेंटेंस के चालू हो जाता yes. है यस व्हिच मींस उस आत्मा के अंदर जिद करने का संस्कार अपनी बात को राइट प्रूफ करने का संस्कार आर्ग्यू करने का संस्कार स्ट्रांग है ज्यादा बार यूज हुआ हुआ है तो सामने वाला दो लाइन भी नहीं कहेगा hmm. कई बार हम दो वर्ड्स भी नहीं कहते और दूसरे वाला शुरू हो जाता है वहां से तो हम कहेंगे बात सुनो तो एक मिनट यू हैव जस्ट स्टार्टेड विदाउट इवन लिस्निंग हाँ मुझे हाँ. मालूम था सी हाँ. मतलब वो जो लाइन थी ना इसलिए उस दिन के ब्रेन में वो जो न्यूरोन है वो बार बार प्ले होने से फास्टर होगा दैट वॉज वेरी इम्पोर्टेंट के पहले हम पांच मिनट बात सुनते फिर अपनी बात रखते दो चार बार करने के बाद हम दो मिनट बात सुनते हैं फिर जल्दी से अपनी बात रख देते हैं लेकिन जब वो फास्टर एंड फास्टर होने लगता है हम सामने वाले की बात ही नहीं सुनते पहले ही अपनी बात रख देते हैं सामने आर्ग्यू करने का संस्कार है अब अपने ऊपर वर्क किया मेडिटेशन से ईगो क्या होने लगी कम होने लगी तो सोल कॉन्शियस बड़ा तो हमने कहा सामने वाली भी आत्मा है उसका नजरिया सुन प्रोसीड ईगो कम होने लगी को थोड़ा आप एक्सप्लेन करके फिर आगे बढ़ी। बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन करिए मीनिंग क्या है क्योंकि लोग और मैं है? और हमारे जो भी जहां जिनसे उठता बैठता हूँ कई लोग बोलते ईगो इज अ वेरी गुड थिंग ईगो को बहुत प्यार से रखना अटैचमेंट टू रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ अगर मैं आर्ग्यू कर रही हूँ उस समय मेरी अटैचमेंट मेरे आइडिया से है कि मेरा ही आइडिया राइट है अगर सपोजिंग मेरे पास आइडिया है लेकिन अटैचमेंट कम है तो मतलब ईगो कम है हाँ अब पहले में और अपने में अपने अंदर चेंज देखना है आई सी दैट सो मच चेंज इन माई सेल्फ पहले तो दूसरे की बात ही नहीं सुननी थी पहले ही अपनी बात रख देनी थी फिर धीरे धीरे परिवर्तन आया कि अच्छा दूसरे की बात सुनी लेकिन फिर भी कहा लेकिन मेरी वाली बात राइट है ये सब ईगो है अब स्टेज आई कि अपनी बात रखे, दूसरे को नहीं ठीक लगी खुद अगर अंदर लगे भी कि ये वाली बात राइट है नाउ वी हैव द पावर टू लेट गो ऑफ द आईडिया कि इट्स ओके okay। दूसरे को नहीं पसंद आया पहले नहीं थे वो पावर पहले तो कैसे क्यों नहीं माना क्यों नहीं समझ में आया समझ में क्यों नहीं आ रहा कि ये वाली बात राइट है क्योंकि मेरी ही बात राइट है तो जैसे जैसे ये बहुत सूक्ष्म अलग है तो उनकी डेफिनेशन ऑफ़ राइट अलग होगी उतना पॉज करके वो अंडरस्टैंडिंग के लिए समय नहीं था बीच में अब इसको सारा दिन में देखें फैमिली के साथ वर्क प्लेस पे पीपल विल क्योंकि सबसे सूक्ष्म जो हमारा अटैचमेंट होता है ना बॉडी का अटैचमेंट हम अवेयर रिश्तों में भी अटैचमेंट पोजीशन आइडिया से अटैचमेंट मेरी बात सही है सबसे सूक्ष्म अटैचमेंट है इसको छोड़ने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है समटाइम्स मुझे मालूम भी रहता है कि मेरी बात सही नहीं है लेकिन फिर मैं एक बार अड़ गया तो अड़ गया हाँ तो अब अड़ गया तो इसलिए क्योंकि पहले कह दिया है कि वो बात जाऊ तो ये सब ईगो है ना और ह्यूमिलिटी क्या है

रास्ता पाथ ये जो इजी थे ना ये जो इजी वर्ड आपने यूज किया ना ये नेचुरल वे ऑफ लिविंग है जैसे कि मैं पहले अगर होता कि मेरी वाइफ ने ने और उसके फ्रेंड्स इतना कुछ मुझे सुना दिया अब मैं बोलता हूँ अपने आप को कि मैंने थॉट लेवल से कितना इनको बोला है कितनी नेगेटिविटी भेजी थी yeah. ताकि कब इन इनके अंदर से वो मेरी ही रिएक्शन मुझे मिला right. तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली ब्लेम नहीं किया ये भी सोल कॉन्शियसनेस है और फर्दर अपने आप को ब्लेम नहीं किया लेकिन आपने क्या ट्रांसफॉर्म हमेशा बोल जाता है yes. ट्रांसफॉर्मेशन उसी सीन में ईगो क्या करता पहली बात ब्लेम करता कि इन लोगों ने इस तरह से बात क्यों की एक सेकंड एजिटेट होके रिएक्ट भी करता कि इन्होंने ऐसा कहा तो मैं इनको दो लाइन एक का दो और कहूंगा एंड तीसरा जब बाद में बात खत्म भी हो जाती तो उनको ही जिम्मेवार समझता हर बात की गलती उनकी ही थी ये ईगो है ये अहंकार है कि मैं ही राइट था मैंने जो कहा वो ही सही था क्योंकि मैं ये हूं उन्होंने मेरे साथ कैसे बिहेव किया मेरे घर में आके मुझसे ही ऐसा कहकर चले गए मैं ये ईगो की भाषा है सारे सोल कॉन्शियसनेस की भाषा क्या है ये थॉट्स मेरी क्रिएशन है मैं मालिक हूँ मैं कई दिनों से नेगेटिव थॉट्स इनके बारे में क्रिएट कर रहा था अवेयरनेस ये कितनी अवेयरनेस है इससे पहले बिफोर अवेयरनेस अगर चुप भी हो जाता एक ना एक दिन तो बोलूंगा हाँ। उस दिन लेकिन जो बोल गए मैं लिख तो दूं अगर नहीं बोला तो आज तो लिख दूं लिख तो। या अब तो फोन करके बोल दूं कि आपने उस दिन जो कहा था ठीक नहीं था मुझे बुरा लगा ये लेकिन है, कभी तो करूं। ये है सिद्ध करने का और जिद करने का संस्कार जो ईगो में होता है अपनी बात को सिद्ध करना और जिद करना ये ईगो का साइन है अपनी बात को छोड़ देना हल्के में दूसरे के नजरिए को समझना ये सोल कॉन्शियसनेस का संस्कार है दिख रहा है ना सारा दिन अब मेरी समझ में आया है कि जिस दिन आपने एक बहुत पहले के एपिसोड में कहा था ईगो इज वीकनेस ईगो इज कमजोर इंसान की ईगो होती है तो आज मुझे ये क्लियर हुआ, तब मैंने बोला कितनी बुरी बात कहते हैं ईगो वाला तो होना ईगो तो होना चाहिए हाँ। क्योंकि मैं हूँ मैं हाँ। और मतलब नहीं तो कमजोर वो होता है जिसको ईगो ही नहीं है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट ही hmm. नहीं है सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मैंने मिला दिया था सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो लोग कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो के बीच में बहुत थिन लाइन है एक्चुअली सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो दिन और रात है दे आर ऑपोजिट ईगो है तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं उस टाइम और सेल्फ रिस्पेक्ट है ईगो नहीं उस टाइम सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब मैं अपने आइडिया को मैं रिस्पेक्ट करता हूं सामने वाले ने नहीं भी किया कोई बात नहीं लेकिन ईगो है कि सारी दुनिया मेरे आइडिया को एक्सेप्ट करे तभी बात सही है ये ईगो है अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ ये सारा दिन याद रखना है कि ये अहंकार है अहंकार है या नहीं कैसे पता चलेगा यहां मन शांत है तो सोल कॉन्शियस है कोई हलचल हो रही है टर्बुलेंट है तो ईगो कहीं हिल रहा है वो कोई एंगर कोई फियर क्रिएट हो रहा है क्या जैसे आपने कहा मेडिटेशन से कैसे ये बढ़ेगा क्योंकि जितनी बार हम बार बार इस कॉन्शियसनेस को फिर से रिवाइज करेंगे इमर्ज करेंगे मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं आत्, वी विल स्टार्ट फीलिंग कि ये सब चीज़ें तो हम यूज़ कर रहे हैं इनको लेकर हम इतना लड़ रहे हैं सब एक दूसरे के साथ आज मैं आत्मा इस शरीर में हूं कल मैंने ये शरीर छोड़ना है चले जाना है ये एक चीज भी अगर याद रहे जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा हमारी दादी जी कहती है हर घड़ी जीवन को ऐसे जिए कि यह जीवन की अंतिम घड़ी है अच्छा तो क्या हो जाएगा ये घड़ी मेरी जीवन की अंतिम घड़ी है तो मेरा जीवन की क्वालिटी क्या होगी किससे फिर झगड़ा किससे फिर कॉन्फ्लिक्ट सपोज आज हमें पता चले कि मुझे आज शाम को शरीर छोड़ना है hmm. मालूम पड़ गया अब आज का दिन है तो क्या करेंगे अपने रिश्तों को किससे लड़ेंगे क्यों लड़ेंगे क्यों लड़ेंगे फ्यूटिलिटी देखें उस चीज की फ्यूटिलिटी क्योंकि आत्मा जब शरीर छोड़ेगी तो अपने साथ ये रिकॉर्डिंग्स ले जाएगी सारी ये अवेयरनेस जब नहीं होती है वी मीट पीपल जो अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं जब मैं जाऊं तो भी उनसे बात नहीं करना मतलब ये जो हमारी लड़ाई चल रही है इस लड़ाई को क्या करना बिल्कुल कंटिन्यूड रखना अवेयरनेस मेरी आत्मा शांत नहीं होगी <laughs> क्या क्या बोलते हैं लेकिन अगर हम कॉन्फ्लिक्ट के साथ गए तो हमारी आत्मा शांत होगी कैसे हाउ विल इट पॉसिबल पीस का संस्कार की बजाय कॉन्फ्लिक्ट का संस्कार लेके चले गए ऐसी आत्मा शांत कैसे होगी तो इसलिए ये भी सारा दिन अगर याद रहे नॉट फियर ऑफ डेथ बट अवेयरनेस दैट द सोल हैज टू लीव दिस कॉस्ट्यूम दोनों चीज़ों में बहुत फर्क है अगर फियर ऑफ डेथ है तो वो एक नेगेटिव क्वालिटी है डर भय में जीवन जीना लेकिन अगर, अगर अवेयरनेस है कि मैं आत्मा ने ये शरीर छोड़ना है और जब मैं आत्मा ये शरीर छोड़ूंगी मैं अपने संस्कार अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स अपने साथ लेकर जाऊंगी मुझे क्या क्या रिकॉर्ड करना है अब एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस से हम छोटी छोटी बातों में लोगों से उलझना बंद कर देंगे क्या उलझना है किसके साथ क्यों कर रहे हैं ये क्या वॉट डू आई वॉन्ट आउट ऑफ दिस कुछ भी नहीं सिर्फ अहंकार मेरी बात राइट है मैं हर्ट हो गया मुझसे बुरी तरह से बात कर ली इन चीजों के ऊपर सामने वाले किसी एनर्जी से उलझना मुझ आत्मा की एनर्जी को डिप्लीट करता है मेरे ऊपर एक ग्रूव बनाता है सारा दिन में ये अवेयरनेस भी रहे ये जो मैं सोच रही हूँ पैटर्न बन रहा है संस्कार रिकॉर्ड हो रहा है मैं आत्मा ये सीडी लेकर जाऊंगी hmm. ये मेरे साथ जाएगा मैं आत्मा जब नए शरीर में शुरू करूंगी ये संस्कारों के साथ शुरू करूंगी अटेंशन जब मेरे नेक्स्ट जन्म में मैं इन संस्कारों के साथ जाएंगे ना हम जाएंगे ना सोल कॉन्शियसनेस ये भी तो इतनी ब्यूटीफुल चीज सिखाती है कि मैं आत्मा इस शरीर में हूं यहाँ सब रिकॉर्ड है अभी समय आया सीडी इस प्लेयर से निकली दूसरे प्लेयर में डाल दी म्यूजिक सिस्टम बदलेगा सिर्फ प्लेयर बदलेगा सिर्फ सीडी इज द सेम मतलब अगले जनम में वही सीडी इतना जो ग्रो बढ़ जाएंगे और चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी रंग और पक्का हो जाएगा जैसे आपने कहा व्हाइट पे तो उसको निकालने में फिर मेहनत भी ज्यादा होगी ना आगे हम उसी गाने से शुरू करेंगे उसी गाने को शुरू करेंगे उसी रिकॉर्डिंग को शुरू करेंगे तो वो और पक्के होते जाएंगे तो आपकी जो दादी कहती हैं की अभी नहीं तो कभी नहीं अभी नहीं तो कभी नहीं इसलिए सो इम्पोर्टेंट ज्ञान अभी मिल रहा है समझ मिल रही है यूज करें उसको अपने संस्कारों को बदल लें अभी अगर क्षण आ गया क्षण आ गया हर घड़ी अंतिम घड़ी अभी अगर क्षण आ गया शरीर छोड़ने का संस्कार नहीं चेंज किया था लेकर जाएंगे नया कॉस्ट्यूम लेंगे बच्चा है उसका वो सीडी है वो गाने हैं अब उस बच्चे को कब ज्ञान मिलेगा कब समझ मिलेगी ना कब वो संस्कार परिवर्तन होगा अब वो उसी गानों के साथ स्टार्ट करेगा फिर डिपेंड करता है वो किस माहौल में जाता है वहाँ से उसको क्या वाइब्रेशन मिलती है अब अब हमारे पास पावर है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखना कि मैं आत्मा मेरे संस्कार लेकर जाऊंगी मेरे साथ हम क्या करते हैं सोचते नहीं है दूर दूरा देशी नहीं है तो हम कहते आगे की किसने सोची अभी इतनी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन वो बच्चा जो पैदा होता है ना वो जब वो संस्कारों के साथ पैदा होता है तो कई बार वो जीवन भर उन संस्कारों के साथ दर्द में रहता है तब हम कहते हैं पता नहीं क्या कर्म करके आए हैं पता नहीं क्या पीछे करके आए थे जो ये हुआ तो आगे जाके पीछे का रिग्रेट नहीं करना है अभी चेंज कर लेना है ताकि आगे सिक्योर है जैसे आपने कहा था ना कि कई लोग मरने के बाद भी बोल के जाते हैं फैमिली को कि इस फैमिली से बदला लेना है मतलब समझो इस इस फैमिली में पंद्रह लोग हैं और उधर पच्चीस तो पच्चीस और पंद्रह मिला के कि कितने लोगों की हम एनर्जी डिस्टर्ब करके जा रहे है yes. वैसे ही जब संस्कार भी जब हम हमारे यहाँ कट करते हैं हुँ। इस जन्म में हुँ। तो अगले जन्म में कितने लोगों का फायदा होता है yes. जैसे ये दुश्मनी अगर बोलेगी एंड करना मेरे जाने के बाद right. मत उल्टा अगर वो बोल के जाए वो आत्मा तो कितनी आत्माओं के वाइब्रेशन चेंज होने वाले हैं उसकी वजह हाँ, तो से हम हमारे संस्कार बदलने से औरों का भी तो वो होता है मेरी जर्नी का आगे क्या रिजल्ट है क्या रिकॉर्डिंग हो रही है जैसे हमने उस दिन देखा एक फोटो खिंचवाने में कितना अटेंशन है क्योंकि फोटोग्राफ क्या होगी रिकॉर्ड में चली जाएगी एल्बम में लग जाएगी ना फिर हर बार जब एल्बम देखते हैं तो देखते हैं ये फोटो हाँ यहाँ मैं स्माइल कर रहा हूँ देखते हैं ना तो यहाँ जो रिकॉर्डिंग हो रही है मैं आत्मा संस्कार लेकर जाऊंगी इसीलिए मैं आत्मा हूँ ये याद रखना क्यों इम्पोर्टेंट है ये नहीं कि ये मर गया तो सब मर गया मैं मर गया नहीं मैं आत्मा नहीं मर रही This journey is longer. It's not a journey of 70 80 years. This journey is a long, long, long journey. जो रिकॉर्ड हो गया वो डिलीट नहीं होगा ये मेरे साथ जाएगा ये संस्कार मुझे आगे अनेक परिस्थितियों में फिर तकलीफ देगा सपोज जैसे आपने कहा गुस्से का संस्कार है अभी हो गया हो गया तो खत्म हो गया ना पीस का संस्कार क्रिएट हो गया अब जब आत्मा शरीर छोड़ेगी दोनों में से पावरफुल कैसे बनाए

तब गुस्से का संस्कार बहुत रेयरली इमर्ज होगा हो जाएगा फिर कभी Sorry, I had forgotten वो ऑटो मोड फिर कभी गुस्सा आ जाएगा बट इट विल बी वेरी 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 रेयर बिकॉज वो कभी बजेगा गाना जैसे अभी ऑपोजिट है ना अभी गुस्से का गाना ज्यादा बजता है पीस का संस्कार कभी कभी इसलिए लोग कहते हैं दो मिनट शांति दो, दो मिनट तो शांति से बैठने दो मतलब शांति दो दो मिनट वाली हो गई है हाँ पूरा दिन तो ऑफिस में झंझट रस्ते में झंझट ट्रेनों में झंझट yeah. आने जाने में सारे दिन झंझट में दो मिनट शांति दो मिनट शांति मिनट शांति अंदर तो साइलेंस होना चाहिए तो जब हम पीस का संस्कार पेशेंस का संस्कार धैर्यता हो जाएगा काम क्यों इतना एजिटेट हो रहे हो धैर्यता पेशेंस का संस्कार क्रिएट होगा क्यों ऊंचा बोल रहे हो धीरे धीरे संस्कार क्रिएट होगा थोड़े दिन प्रैक्टिस उसके बाद वो जब ग्रूव में चला जाएगा अभी भी गुस्से का संस्कार इरिटेट होने का संस्कार ऊंची आवाज में बोलने वो होगा कभी कभी आ जाएगा कभी कभी और उस पर भी अटेंशन रखा तो वो इस ना के बराबर अब ये मेहनत करके या ये थोड़ा सा वर्क करके आत्मा शरीर छोड़ेगी नया शरीर लेगी तो वो बच्चा कैसा होगा दिस इज द जर्नी दिस इज द जर्नी नो नया जीवन नया संस्कार वी नीड टू स्टैंड टूडे एक बार का किया हुआ थोड़ा सा एफर्ट एट अटेंशन लॉन्ग टर्म रिकॉर्डिंग चेंज कर रहा है लॉन्ग टर्म यू विल कैरी दैट संस्कार लॉन्ग टर्म अब जब वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है पीस का संस्कार उसका लूप में है डोंट वी फाइंड चिल्ड्रेन विद डिफरेंट संस्कार किसी एक बच्चे का गुस्से का संस्कार लूप में है उल्टा हो रहा है आजकल जैसे जिसके पेरेंट्स गुस्से वाले संस्कार के बच्चे को देखते बोलते हाँ ये बहुत अच्छा बढ़ेगा आगे चल के इस आज के जमाने में ये चाहिए और जहाँ पीछे ये बड़े डरपोक है बड़ा कमजोर है पता नहीं कैसे चलेगा पता नहीं कैसे बिजनेस करेगा वो क्यों जैसा म्यूजिक आप प्ले करते हैं आपको तो वैसे वाला ही म्यूजिक पसंद आने वाला है राइट right? सपोज आपकी सीडी पर बहुत फास्ट लाउड रॉक म्यूजिक चलता है और आपके घर में बच्चा पैदा हुआ जिसकी सीडी पर भजन चल रहे हो तो पसंद थोड़ी आएंगे कहेंगे ये क्या बजा रहा है ये ये तो बुढ़ापे में करने की चीज है हाँ Right. आज अगर किसी घर में परिवार में बच्चा आता है और वो छोटा बच्चा ही यंग एज से स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड है या पूजा पाठ में ज़्यादा इंक्लाइंड है क्योंकि ये सब क्या कर रही है कोई इस एज में करने की चीज़ें उस वो सीडी के गाने हमें पसंद नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारा गाना उस सी से अलग है और हमारा ईगो जो है वो कहता है हमारा गाना सही है सोल कॉन्शियस होते तो देखते कि राइट गाना क्या है हर आत्मा के लिए लेकिन ईगो ये नहीं देखती कि राइट गाना क्या है आत्मा के लिए ईगो कहती है मेरा गाना ही राइट है दोनों लाइंस में बहुत फर्क है आज पूरा दिन अगर हम ये एक होमवर्क करें कि मैं जो सोच रही हूं जो बोल रही हूँ जो व्यवहार कर रही हो ये मुझे आत्मा पे रिकॉर्ड हो रहा है मेरे साथ आगे जाने वाला है ये रिकॉर्ड हो रहा है ये मेरे साथ इटरनल रिकॉर्डिंग बनकर मेरा हिस्सा बनकर मेरे साथ आगे जाने वाला है अटेंशन दस में से पांच बार बच जाएंगे डेफिनेटली बचेंगे क्योंकि ये भी एक थॉट क्रिएट की ना तो यहाँ एक रिकॉर्डिंग हुई तो जैसे ही वो कुछ आएगा मन कहेगा ये साथ जाने वाला है आ, तो लंबा नहीं खींचेंगे बात को जल्दी से उसको फुल स्टॉप लगा देंगे नहीं तो तो लंबा खींचते हैं सोचते जाते हैं सोचते जाते हैं सब रिकॉर्ड हो रहा है सारा कुछ रिकॉर्ड होता जा रहा है सपोज वी आर शूटिंग दिस प्रोग्राम कैमरा ऑन है है रिकॉर्ड कर रहा है। तो हम काम की बात करेंगे ना जो रेलिवेंट है अब सपोज कैमरा ऑन है और हम कुछ और ही बात कर रहे हैं इधर की उधर की ये कैसे ये वैसे तो कोई कहेगा ना क्या कर रहे हो कैमरा ऑन है ऐसे ही रिकॉर्ड करते जा रहे हो और ये सीढ़ी हमारे जाने के बाद भी बचते रहेंगे yes. वो हमेशा के लिए रहेंगे yes. तो कितना ध्यान, है? है? कितना ध्यान रखना है रिकॉर्डेड कितना ध्यान रखना है यहाँ ध्यान रखते हैं हाँ। आज यहाँ ध्यान रखेंगे हाँ। आज ध्यान रखेंगे एक एक घंटे का अलार्म लगाते हैं और हर एक घंटे के बाद अपने आप को सिर्फ एक थॉट देते हैं आज एक एक मेडिटेशन करते हैं एक एक मिनट के एक एक घंटे के बाद हाँ आज तो सिर्फ रिमाइंडर भी दे दे चलो मेडिटेशन भी अभी शुरू नहीं हुई रिमाइंडर after every one hour my thoughts my words my actions are an eternal recording अगले जन्म में मैं इनको लेके जा रहा हूं परमानेंट हर जन्म में अगले जन्म में क्यों unless i stop जो उसमें लिखा था It's unless i stop the loop and create another one ये तो मेरी परमानेंट रिकॉर्डिंग है आज अगर हर घंटे के बाद हम ये होमवर्क करके देखते हैं कोई भी चीज थोड़ी सी मेहनत करे बिना नहीं होने वाला है चाहे इसको आज हम अपने फोन पे एंटर कर दें, एक अलार्म लगा दें एक नोट पैड बना दें फोन पे उस पे लिखते चाहे ये हम अपने स्क्रीन सेवर का मैसेज बना दें आज माई थॉट वर्ड एक्शन इज बिकमिंग माई इटर्नल रिकॉर्डिंग विच विल ऑलवेज रिमेन विद मी अटेंशन माय थॉट वर्ड एंड एक्शन मेरी सोच मेरे बोल मेरा व्यवहार मेरा कर्म मुझ आत्मा की अभी तक इतने जन्मों से वो तो बन गया है ना तो उसको अभी छोड़ के हम एक नया फोल्डर हम नया कर रहे हैं ना हम नया क्रिएट कर रहे हैं ना दिस इज माय इटर्नल रिकॉर्डिंग क्योंकि आत्मा जब शरीर छोड़ेगी संस्कार साथ में लेकर जाएगी ये मुझे हमेशा याद रखना है बहुत आज सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या मिलता है हमें

And which not to use, like we choose which song to play from a list of songs on a CD. Ego is attachment to a wrong image of myself. Attachment to our opinion always being right and not being able to accommodate another's opinion is also ego. We make our opinion. Our identity and our opinion is right means I am right. Self respect is the opposite of ego. Ego is attachment, and when there is attachment, there will be resistance and fear. With ego, the mind will be disturbed due to fear, anger, hurt, or jealousy. With self respect, mind will be at ease and peace will be natural. So, when the mind is disturbed, we need to check our attachment and then release it. We should not fear death, but we should be aware that we can leave the body anytime. If we have this awareness, we will not entangle with other people and create negative recordings on the soul. Always remember, we will be carrying every recording with us to the next costume.